देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत अनेक राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू लागू किया है। सोशल मीडिया पे भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी नहीं हो रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सख्ती की शुरुआत हो गई है। जो हाल अप्रैल 2020 में था, कुछ वैसे ही हाल इस साल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अपील की जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन कई जगहों पर लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद फिर से कोरोना के केस में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। नतीजा ये हुआ है कि वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का फैसला लेना पड़ा है। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन सामने आने वाले आंकड़े भयावह हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जब से देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक ये कोरोना का सर्वाधिक मामला है। इसमें पहले बुधवार को 1,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं मंगलवार को भी कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 1,15,000 से ज्यादा दर्ज की गई थी। लॉकडाउन की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार अपने घरों को लौटने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। देश में अभी कोई संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, जो कल प्रधानमंत्री ने संबोधन में साफ कर दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन आपके शहर, कस्बे या गाँव में केस बढ़े तो वो लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसकी अनुमति कल प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। और इस लॉकडाउन को माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमने लॉकडाउन तो सुना है, लेकिन आखिर ये माइक्रो लॉकडाउन क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। माइक्रो लॉकडाउन से तात्पर्य ऐसे लॉकडाउन जो बड़े लेवल को छोड़कर छोटे छोटे लेवल पर लगाए जाएं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपके शहर या गांव में केस बहुत ज्यादा आने लगे और पास वाले में नहीं हो, तो आपके गांव और शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और पास वाले शहर में सब पहले जैसा ही चलता रहेगा। यानी साफ है, लॉकडाउन तो आएगा, लेकिन इस बार वो देश भर में नहीं बल्कि आपके गांव और शहर तक सीमित होगा। वहीं इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। कब से कब तक रहा है वीकेंड लॉकडाउन? बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन को कुछ ही राज्यों में चिन्हित इलाकों में लागू किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में हर जगह वीकेंड लॉकडाउन है, जो शुक्रवार की शाम 6 बजे से शुरू होकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन में किस तरह की पाबंदियां? पिछले साल मार्च अप्रैल में जिस तरह का सख्त लॉकडाउन था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है। मेडिकल, दूध, सब्जी की दुकानें खुल सकती हैं, वो भी इजाजत के साथ। बेहद जरूरी क्षेत्र के लोग अपने काम पर जा सकते हैं। महाराष्ट्र में तो सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है, यानी कि आप रेस्टोरेंट पे जाकर खाना पैक कराकर भी नहीं ला सकते हैं। अब आप भी हमको कमेंट में बताएं कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन ही आना चाहिए या फिर माइक्रो लॉकडाउन। इस पर आपकी राय क्या है? वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।